मैं प्रोफेसर भावेश चौहान डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीबीडी आईटीएम, लखनऊ आपका एक कोर्स कोड 302 ज़ीरो मैं पुनः स्वागत करता हूं। इसमें आज हम लेक्चर टेन में लगभग आधे घंटे के दौरान रिव्यू ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्योंकि आपको याद होगा जो कोर्स आउटकम यूनिट वन का था तो उसमें था कि बाई द टाइम वी विल फिनिश दिस यूनिट वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द यूज़ ऑफ़ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स सो वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज़ वेयर दे कैन बी यूज दैट वॉज दर आउटकम सो उस दौरान हमने आपने देखा कि पिछले आठ लेक्चरों में आ, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जाना उनके प्रिंसिपल ऑपरेशन को समझा आ, साथ के साथ क्योंकि लेब में आप लोगों को कोविड के दौरान वर्चुअल लैब में ही मौका मिल रहा होगा तो मैं थोड़ा फैमिलेराइज कर देता हूँ आपको उस इंस्ट्रूमेंट से जिससे आप आसानी से उनको फिजिकली भी पहचान सकें तो जब उन्हें अब लैब में पाए भौतिक अवस्था में जब भी आ, तो आप उसको पहचान सकें और उसमें कुछ खास बातें हैं जो ध्यान देने वाली हैं उस पर मैं अलग से चिन्हित करूँगा तो हम देखते हैं लेक्चर टेन में रिव्यू ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस आधा घंटे के दौरान हम थोड़ा इंट्रोडक्शन और फिर रिव्यू करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट और साथ के साथ आइडेंटिफिकेशन जैसा मैंने कहा उनके यूजेस के साथ देन वी कम टू सम कंक्लूजन्स ऑल्सो इससे पहले ये समझना होगा कि जब हमने स्टैंडर्ड्स का डिस्कशन uh, किया था तो स्टैंडर्ड्स में uh, अगर प्रैक्टिकल अप्रोच देखें इसको क्योंकि ये जो चर्चा है हमारी व्यवहारिक रूप से ज़्यादा केंद्रित है जिससे कि उसे आम जिंदगी में भी उसका आप उपयोग और महत्व को समझ पाएँ तो सबसे ऊपर हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स से संबंधित है ज, जिसको हम एस SI सिस्टम भी कहते हैं और ये लगभग सभी कंट्रीज़ में ऑपरेट uh, होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एस और उससे हम कैलिब्रेट करते हैं अपने नेशनल स्टैंडर्ड्स को जो अब दो uh, के एक्ट के बाद ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के रेफरेंस में आया है और उसका हेड क्वार्टर जो है वो बेसिकली दिल्ली में है और उसके पांच रीजनल हेड क्वार्टर भी हैं नॉर्थ इंडिया में चंडीगढ़ में है तो वो कैलिब्रेट होते हैं विद ए विस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और फिर प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के कैलिब्रेशन के लिए हम नेशनल स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो दीज आर द सब कैटेगरी ऑफ दिस और प्राइमरी स्टैंडर्ड्स को अगर आ, का इस्तेमाल किया जाता है फदर सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के कैलिब्रेशन में जैसा हमने Uh, पूर्व में भी कहा था और फिर वर्किंग स्टैंडर्ड्स जो कि आमतौर पर पाए जाते हैं तो वर्किंग स्टैंडर्ड्स को हम कैलिब्रेट करते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के साथ और वर्किंग स्टैंडर्ड्स की मदद से हम कैलिब्रेट कर पाते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स uh, को तो ये कैलिब्रेशन का आप अपलेटर अगर देखें तो सबसे टॉप में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है एंड इवेंचुअली यू आर एबल टू कैलिब्रेट देम इन डायरेक्टली टू द स्टैंडर्ड्स एग्जिस्टिंग एंड दिस इज़ एप्लीकेबल टू ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में सेकेंड इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात करें पर्टिकुलरली एनालॉग कैटेगरी में और अलाइड कैटेगरीज़ में भी तो दे आर सिक्स टाइप्स ऑफ कैटेगरीज़ और जिसमें हमने डिस्कशन किया था मूविंग आयरन एंड देन मूविंग कॉयल और मूविंग आयरन में आप देखेंगे क्योंकि एक ही कॉयल होती है जो कि मूविंग कोयल यूजली रहती है तो वो वहाँ पे प्रेशर कोयल का प्रोविजन नहीं होता है तो केवल आप अमीटर और वोल्टमीटर ही उसमें बना सकते हैं जबकि अगर हम डायनोमोमीटर या इंडक्शन टाइप मीटर की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास दो कॉयल होती थी फिक्स कॉयल और मूविंग कोयल और उन दोनों कोयल से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता था उसके इंट्रेक्शन से टॉर्क बनता था यानी कि हम इसकी मदद से दो कॉयल की वजह से क्योंकि एक में हम आ, एक फ्लक्स आ, फिक्स कॉयल से जो बनेगा वो करंट के प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड को या चुम्बकीय बल को उत्पन्न करेगा और जो मूविंग कॉयल में होगा वो यूजुअली पैरेलल में लगाई जाती है जिसे प्रेशर कॉयल भी कहते हैं तो वो अनुक्रमानुपाती होता है या प्रोपोर्शनल होता है आ, उस करंट के जो कि वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है तो दोनों के इंट्रेक्शन से टॉर्क बनता है तो उसकी मदद से हम आ, वाट मीटर भी बना सकते हैं और एनर्जी मीटर भी बना सकते हैं तो डायनोमीटर टाइप में यूजुअली वाट मीटर ज़्यादा पॉपुलर होते हैं इंडक्शन मीटर इज़ नॉट uh, uh, usually commonly found. It's very rare. Whereas in induction type, you will find that energy meter is more common. The watt meter is not नॉट कॉमनली फाउंड तो लेकिन इसके साथ साथ आप इन दोनों कैटेगरीज में अमीटर और वोल्टमीटर भी बना सकते हैं यानी कि अगर प्रेशर कॉयल भी प्रोपोर्शनल है करंट के और वो भी सीरीज में लगी हुई है फिक्स कॉयल की तरह तो उसको आप अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और अगर फिक्स कॉयल में भी और प्रेशर uh, कोयल में भी दोनों में ही सप्लाई uh, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल करंट फ्लो हो रहा है यानी कि दोनों ही कॉयल्स जो हैं वो पैरल uh, में लगी हुई हैं सप्लाई के तो आप उसको वोल्ट मीटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो बेसिकली <laughs> uh, अगर इंडक्शन को देखें तो वो ए के लिए एप्लीकेबल है जबकि डायनोमीटर डीसी और एसी दोनों के लिए एप्लीकेबल है और ये मूविंग आयरन भी डीसी एसी दोनों के लिए एप्लीकेबल है जबकि मूविंग कॉयल केवल डीसी के लिए एप्लीकेबल है इसके अलावा जो और कैटेगरीज़ हैं जिसका मैंने बीच में जिक्र भी किया था कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है अमूमन एकेट्यू के एग्जामिनेशन में इस तरीके के सवाल नहीं आते लेकिन क्योंकि व्यवहारिक है तो इसलिए हॉट वायर भी एक कैटेगरी है थर्मोकपल भी एक कैटेगरी है रेक्टिफायर टाइप भी एक कैटेगरी है जिसमें ब्रिज रेक्टिफायर का आप साथ में इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक इंस्ट्रूमेंट्स भी एक कैटेगरी है तो उनमें अमीटर और वोल्ट मीटर्स का या अलाइड <coughs> इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों ही अमीटर्स हैं अगर लैब में आप देखें तो ये दोनों ही अमीटर्स जो हैं वो आप देखिए तो जो यहाँ ध्यान देने वाली बात है जिस पे कि ध्यान केंद्रित करना है तो आपको कुछ यहाँ निशान मिलेंगे तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो इस तरीके का सिंबल है इसका मतलब इसका एसी पे इस्तेमाल किया जा सकता है किया जाता है और ये बेसिकली एसी के लिए ही है अगर ये दोनों सिंबल आपको मिलते हैं तो ए सी डी सी दोनों के रेफरेंस में हो सकता है जैसे कि पी एम एम सी में अगर रेक्टिफायर भी लगाएंगे तो हम डी सी और ए सी दोनों का ही दोनों ही रेफरेंस में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ये मूविंग आयरन के लिए सिंबल है तो अगर इस तरीके का सिंबल आपको मिलता है तो इसका मतलब ये मूविंग आयरन है यहाँ भी आप देखिए ये ए सी का रेफरेंस है और यहाँ ये मूविंग आयरन का सिंबल है क्योंकि मूविंग आयरन का सिंबल यूजुअली आपको इस तरीके से क्रॉस फॉर्म में भी मिल सकता है और सिंपल इस फॉर्म में भी मिल सकता है यानी कि अट्रैक्शन टाइप एंड देन रिपलजेंट टाइप तो आ, उसके अलावा आप अगर ध्यान दें तो यहाँ एक ये इस तरीके का इन्वर्टेड टी है इसका मतलब है कि ये ग्रेविटी कंट्रोल है यानी कि इसको एक अपराइट पोजिशन में ही रखना है क्योंकि इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो कंट्रोल वेट की मदद से आ, प्रोवाइड किया जाता है तो इस वजह से इसमें विशेष सावधानी यह है कि आप इसका प्लेसमेंट किस तरीके से कर रहे हैं तो आप इस तरीके के जो सिंबल से ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये कंट्रोलिंग टॉर्क इसमें ग्रेविटी कंट्रोल है अन्यथा स्प्रिंग कंट्रोल रहता है तो उसमें स्प्रिंग का मार्क भी हो सकता है और अमूमन ये भी देखा गया कि स्प्रिंग का मार्क नहीं दिखाते हैं बट इफ दिस मार्क इज एब्सटेंड इट मीनिंग देयर बाई दैट दैट अमीटर और वोल्ट मीटर इज़

तो ज़्यादा एक्यूरेट करने के लिए आपको क्या है ये मिरर स्केल का भी इस्तेमाल किया था तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मिरर स्केल है यहाँ आप देखेंगे कि तो ये भी पी एम एम सी है पी एम एम सी की एक आ, आ, एक और पहचान है कि पी एम एम सी और मूविंग आयरन को अगर इसमें भिन्नता आपको स्थापित करनी है तो पी एम एम सी में ये स्केल यूनिफॉर्म होता है अब मीटर या वोल्ट मीटर की बात करें तो आप ये दे देख रहे हैं कि दो डिवीज़न के बीच में डिस्टेंस जो है वो बराबर है ओके okay, यहाँ 80 टू 100 के बीच में भी वही डिस्टेंस है जो जीरो से 20 के बीच में जबकि अगर मूविंग आयरन को अगर ध्यान से आप देखें तो मूविंग आयरन में ये स्केल नॉन यूनिफॉर्म रहता है तो आप यहाँ देखिए गौर से तो uh, यहाँ ये जो स्केल है सिक्स टू ट्वेल्व हंड्रेड आप देख रहे हैं केवल इतने पोर्शन में कवर हो रहा है जबकि जीरो टू टू हंड्रेड इज लाइक दिस एंड सिमिलरली टू टू फोर हंड्रेड इज लाइक दिस तो दिस इज ए नॉन यूनिफॉर्म स्केल सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ये भी एक पहचान है कि आप मूविंग आयरन से परमानेंट मैग्नेट मूविंग ऑयल और मूविंग आयरन को कैसे डिस्टिंग्विश करें तो ये जो दो इंस्ट्रूमेंट्स थे दे वर बेसिकली मूविंग आयरन टाइप्स एंड दिस वन वाज इंडक्शन टाइप अमीटर वेयर एज दीज टू इंस्ट्रूमेंट्स आर बेसिकली पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग ऑयल और अगर इसमें ब्रिज रेक्टिफायर यानी कि इस तरीके का सिंबल भी डायल में अगर दिया हुआ है पीएमएमसी का सिंबल ये होता है तो अगर ये सिंबल दिया हुआ है दिस इन्वर्टेड यू विद बार एंड साथ के साथ एक डायोड का भी सिंबल दिया हुआ है इस तरीके से ब्रिज में तो इसका मतलब यह है कि अलॉन्ग विदिफायर है दोनों सिंबल भी आपको उसमें मिल जाएंगे और अगर केवल पी uh, एमएमसी है इसका मतलब केवल यही सिंबल दिया हुआ है दिस तो मीनिंग देयर बाय दिस इज ओनली पी एम एम सी इट कैन ओनली बी यूज फॉर डी सी तो वहां आपको ये ए का सिम्बल नहीं मिलेगा दिस सिग्नल सिम सिंबल विल नॉट बी प्रजेंट और उसमें स्प्रिंग कंट्रोल का प्रोविजन होता है ये भी ध्यान देने वाली बात है स्केल यूनिफॉर्म होता है तो ये आप लैब में देख सकते हैं ये मिली अमीटर है और ये आपका मीटर है इसमें आप रेंज को भी मैन्यूपलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग शंट्स तो ये एडिशनल टर्मिनल इसीलिए दिए हुए हैं कि आप इसके रेंज क्योंकि आपको मालूम है कि अगर किसी अमीटर की रेंज को आपको बढ़ाना है तो डिफरेंट शंट्स उसमें यूज करके आप उसकी रेंज को मैनुपलेट कर सकते हैं बदल सकते हैं सो अनदर कैटेगरी जो मैंने mention अभी किया था वो hot wire था वो हॉट हॉट वायर वायर तो hot wire में बेसिकली uh, इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि अगर आप आई फ्लो करा रहे हैं उसके सर्किट में और इस वायर के थ्रू तो आई स्क्वायर आर से क्या होगा हीट डेवलप होगा और उस हीट से ये प्लेटिनम इरेडियम का वायर है दिस इज प्लेटिनम इरेडियम वायर इसमें एक्सपेंशन आएगा तो ये जो करंट है वो अगर सीरीज में लगा हुआ है ये सर्किट तो वो करंट क्या है करंट के प्रोपोर्शनल होगी मीनस

और ये जैसे जैसे एक्सपेंड करेगा तो अब वो ऑटोमेटिकली इस वायर में जिसको फॉस्फोरेंस ब्रंज का वायर है इस एक्सपेंशन को आप यहाँ पे इम्पैक्ट <coughs> आएगा उसका सो यू विल सी दैट देयर विल बी अ मूवमेंट इन दिस बिकॉज व्हेन इट विल एक्सपेंड इट विल अ स्वैग एंड चेंज तो यह तो मतलब uh, you know, uh, और जैसे यह सैग आएगा तो इस वायर में मूवमेंट होगा उस वायर के मूवमेंट को आप पुलिस की मदद से ओके okay? आप यहां पॉइंटर पर स्केल की फॉर्म में देख सकते हैं और कंट्रोलिंग टॉर क्योंकि इसमें जो डिफ्लेक्शन होना चाहिए वो डिफ्लेक्शन प्रपोर्शनल uh, होना चाहिए मेजर्ड क्वान्टिटी के तो इस वजह से जो स्प्रिंग है ये कंट्रोल का आपका प्रोवाइड करती है यहाँ इस पुली अरेंजमेंट में थ्रेड का इस्तेमाल किया गया है सो दिस इज ए प्लेटिनम अरेडियम वायर विच इज बेसिकली सेंसिटिव टू द टेम्परेचर ओके एंड दिस टेम्परेचर चेंज विल बी ड्यू टू द आई स्क्वायर आर मींस ड्यू टू द हीट दैट रिजल्ट वैन करेंट फ्लो इन टू द वायर इन द वायर तो आप इसको देख सकते हैं तो ये आजकल बहुत रेयरली आपको मिलेगा यूजअली म्यूजियम में पाया जाता है पहले काफ़ी इस्तेमाल होता था अगर आधी सदी से पहले की बात करें लेकिन अब इसका प्रयोग बहुत कम हो गया है तो इट लुक्स लाइक दिस बिसाइड दिस दिस इज ऑल्सो यू कैन सी हॉट वायर मीटर्स तो ये डिफरेंट डायग्राम्स हैं ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं ये वायर ओके सो प्लेटिनम रेडियम वायर देन फॉस्फोरस ब्रांच वायर और दिस इज़ अगेन हॉट वायर ओके इंस्ट्रूमेंट अमीटर थर्मोकपल अमीटर तो ये थर्मोकपल बेस पर है जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था कि थर्मोकपल दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन द टू डिसिमिलर मेटल्स आर जॉइंट टुगेदर एट टू डिफरेंट एंड्स एंड द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शंस लाइक दिस वन जे वन एंड जे टू तो यानी कि दो वायर हैं दोनों का मेटीरियल अलग अलग है ये कॉन्सटेंटन है और ये जो है आयरन वायर है और आपने देखा दो जंक्शन क्रिएट किए हैं है, एक जंक्शन का टेम्परेचर हम डेलीबरेटली रेज कर देते हैं और दूसरे का रिलेटिवली उससे कम होता है तो दोनों में एक सिग्निफिकेंट डिफेंस ऑफ टेम्परेचर रहता है और इस टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से जिसको कि हम सी बैक से भी रिलेट करते हैं ई एम एफ इज इंड्यूस्ड एंड दैट ई एम एफ विल लीड टू द फ्लो ऑफ करेंट इन दिस सर्किट तो उस ई एम एफ के कारण क्या होगा इस जो परपथ में इस सर्किट में एक विद्युत धारा प्रवाहित होगी और उसको हम उसका मान जो है वो अमीटर की मदद से देख सकते हैं सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ थर्मोकपल को यूज़ किया गया एंड विद द हेल्प ऑफ पी एम एम सी मीटर यू कैन यूज़ इट एंड दिस होल सिस्टम कुड भी इंटीग्रेटेड विद दिस पी एम एम सी मीटर तो आप यहाँ ये यह देख रहे हैं दिस इज ए थर्मोकपल मीटर एंड दिस इज़ ऑल्सो ए थर्मो कपल अमीटर सो दिस इज़ हाउ यू कैन आइडेंटिफाई लेट्स इन लीडिंग म्यूजियम बिकॉज नाव डेज दे आर रेयरली यूज बट इन सर्टन सिचुएशन दे कुड बी ए चॉइस पर्टिकुलरली वैन यू आर डूइंग ए मेजरमेंट ऑफ करेंट एंड वोल्टेज विच इज़ वर्किंग ओवर ए रेंज क्योंकि हॉट वायर या थर्मोकपल की बात करें तो इनका जो मेजर एडवांटेज है जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए एक आपको बहुत एडवांटेज uh, देता है इनको एक यूनिक चॉइस बना देता है वो जब है जब आपका फ्रीक्वेंसी वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो एंड यू वांट द यू वांट टू मेजर द करंट आप विद्युत धारा को मापना चाहते हैं रिगार्डलेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी वेरिएशन तो उस वहाँ ऐसे सिचुएशन के केस में जहाँ की फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत ज़्यादा है और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मेजर करना करंट या वोल्टेज है तो वहाँ आ, ऐसी स्थिति में ये आपका आ, सबसे अच्छा चुनाव साबित होता है दिस इज टर्न्स आउट टू बी द बेस्ट चॉइस ना दिस इज़ इलेक्ट्रोस्टेटिक अमीटर इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिंसिपल पे काम करता है और दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई सो यू कैन सी दिस दिस इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रोस्टेटिक अमीटर इट वर्कस ऑन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिंसिपल्स जिससे कि आप फेमिलियर हैं और दिस रिगार्डिंग वोल्ट मीटर सो वोल्ट मीटर आप देख रहे हैं कि वी सिंबल वहां ए का सिंबल था यहां वी का सिंबल है और यहां आप देखिए यह पी एम एम सी मीटर है यहां आपको सिंबल क्लियरली दिखाई दे रहा है दिस इज लुकिंग लाइक दिस ओके सो दिस इज पी एम एम सी एंड यू सी दिस इज फॉर डी सी बिकॉज आप दूसरी बात जो पहचान सकते हैं जैसा कहा था हमने कि यूनिफॉर्म स्केल तो आप इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका स्केल भी यूनिफॉर्म है ओके okay? यानी कि बराबर बराबर दूरी है और यहाँ आप अगर ध्यान से देखें डायल में ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जब आप लैब में जाते हैं अगर आपको जानकारी नहीं है कि कौन सा मीटर है तो आप इस बॉटम पोर्शन पे ध्यान देते हैं और यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ इस तरीके का कोई सिंबल नहीं दिया है तो इसका मतलब इसमें कोई रेक्टिफायर कन्फिग्रेशन नहीं है क्योंकि इसने ना डायोड का सिंबल दिया है ना ही ए सी का सिंबल दिया है सो दिस इज़ ओनली फिट फॉर डी सी मेजरमेंट एंड दिस इज़ ए वोल्ट मीटर मीनिंग देयर बाय इसका मतलब क्या है कि हम इसको जब लगाएंगे इसके टर्मिनल्स को तो वी विल कनेक्ट इट इन पैरल विद द सप्लाई तो हम इसको पैरल लगाएंगे क्योंकि हमको वोल्टेज मेजर करना है देन uh, इसको अगर देखें तो ये मूविंग आयरन है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि दिस इज द मूविंग आयरन सिंबल इट इज लाइक दिस ओके और uh, साथ के साथ uh, इसमें क्लास भी मेंशन है और अगर इसको ध्यान में देगी तो यहाँ पर ये इन्वर्टेड टी भी दिया हुआ है इन्वर्टेड टी मीन्स इट इज़ ए ग्रेविटी कंट्रोल तो इसमें जो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड किया जा रहा है जिसके कि दो काम होते हैं कि जब वोल्टेज का वैल्यू जीरो हो जाए तो ये ब्रिंग्स बैक द पॉइंटर टू इनिशियल पोजिशन और साथ के साथ ये इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क भी क्रिएट करता है जिससे कि पॉइंटर फाइनल पोजिशन पर स्टे कर जाए जब वो माप रहा है यानी कि वोल्टेज के प्रपोशनल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आएगा वो पॉइंटर को मूव कराएगा लेकिन पॉइंटर एक निश्चित स्थिति में जो उसका कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दोनों बराबर हो जाएंगे और वही फाइनल पोजीशन कहलाएगी पॉइंटर की सो so, यहाँ पर ये ग्रेविटी कंट्रोल है और दिस इज स्प्रिंग कंट्रोल बिकॉज हियर द ग्रेविटी कंट्रोल मार्क इज नॉट गिवन एंड पी आप जानते हैं कि वहाँ स्प्रिंग कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है नौ टाइप्स ऑफ वोल्टमीटर अदर टाइप्स ऑफ वोल्टमीटर भी आप यहाँ देख सकते हैं जिनको कि आपको प्रयोगशाला में ये दिखाई दे सकते हैं वंस इन ए वाइल तो ये दोनों डिजिटल वोल्टमीटर हैं बोथ ऑफ दिज आर डिजिटल वोल्टमीटर दिस इज ऑल्सो दिस इज नॉट ए मल्टीमीटर सो डोंट कन्फ्यूज दिस दिस इज द डिजिटल स्पेसिफिकली वैसे मल्टीमीटर का भी इस्तेमाल किया जाता है फॉर मल्टीपल फंक्शंस दैट कैन मेजर करेंट कैन ऑल्सो मेजर वोल्टेज कैन ऑल्सो मेजर रजिस्टेंस एंड फॉर अदर फंक्शन ऑल्सो सम ऑफ़ द एडवास मल्टीमीटर्स ये भी डिजिटल वोल्ट मीटर है जैसा कि हम एंशंट है इन फॉर्म ऑफ ए डिजिट यहाँ पैरालेक्स इर का कोई चांस नहीं होता और ये इलेक्ट्रोस्टेटिक वोल्ट मीटर है जैसा कि पहले भी दिखाया गया एंड दिस इज इलेक्ट्रो डाइनोमोामीटर टाइप वोल्ट मीटर दिस इज़ इलेक्ट्रो डायनोमीटर टाइप वोल्ट मीटर तो यहाँ पर प्रेशर कॉयल और फिक्स uh, कॉयल दोनों ही मौजूद होती हैं और क्योंकि दोनों ही आप कहेंगे कि ऐसे वोल्ट मीटर के केस में आपको फिक्स कॉयल को भी पैरेलल uh, में लगाना होगा और uh, जो प्रेशर कॉयल है उसको भी पैरेलल में लगाना होगा तभी क्या होगा जो पावर आएगी जो वोल्ट मेजरमेंट होगा ये टॉर्क विल बी प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क विल बी प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज बिकॉज

कहा गया है लेकिन इससे वाट मीटर भी बनाए जाते हैं जैसा कि आप जानते हैं नाउ दिस इज अनदर टाइप्स ऑफ वोल्ट मीटर दैट यू कैन सी हियर दिस इज इंडक्शन टाइप सो ये क्लैम्प की मदद से इंडक्शन टाइप वोल्ट मीटर है इसका प्रिंसिपल वही है जैसा कि हमने इंडक्शन एनर्जी मीटर में डिस्कस किया था कि यहाँ डम्पिंग मैगनेट भी प्रोवाइड uh, की गई है आप देख रहे हैं कॉयल्स भी है इंडक्शन इफेक्ट है बीच में डिस्क भी uh, दिखाई दे रहा है और ये दिस इज मल्टी रेंज वोल्ट मीटर ये यानी कि आप डिफरेंट रेंजेस इस नॉब की मदद से मल्टी रेंज वोल्ट मीटर भी क्रिएट कर सकते हैं और इंडक्शन इफेक्ट के लिए ये क्लैंपिंग सिस्टम्स आर यूज सो दैट एन यू नो इंड्यूस्ड वोल्टेज इज़ क्रिएटेड सो दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ कैटेगरीज दीज आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टी मीटर्स विच आई सेड जस्ट कपल ऑफ सेकेंड्स कपल ऑफ मिनट बैक कि ये मल्टीपल फंक्शंस के लिए यूज़ किए जाते हैं इंक्लूडिंग करेंट वोल्टेज और Uh, resistance another types of uh, uh, watt meters you see this is electrodynamometer type watt meter okay. and this is uh, Thomson type watt meter this is basically induction type which is rarely found usually you may find them in museum only but this is like the popular one because when we talk about watt meter you know mostly

यूजली पहले मीटर्स जो थे खास करके सुदूर इलाकों में आज भी ये पाया जाता है लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अब इसको बदल दिया गया है डिजिटल मीटर्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स के साथ और अगर हम आ, जो फोर में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ मे, हैं लाइक कलकत्ता और मुंबई की बात करें तो वहाँ के काफ़ी सारे इलाकों में अब स्मार्ट मीटर्स का भी प्रयोग किया जाने लगा है तो दिस इज ए सिंगल फेज़ इंडक्शन टाइप वाट मीटर और आप देख रहे हैं यहाँ लिखा भी हुआ है सिंगल फेज टू ट्वेंटी वोल्ट रेटिंग के रेफरेंस में और ये सिक्स हंड्रेड रिवोल्यूशन पर किलो वाट आवर देता है ये दिखाई दे रहा है आपको और यहाँ पे इसकी करेंट रेटिंग भी दी हुई uh, है टेन टू ट्वेंटी फ्रीक्वेंसी सप्लाई भी जिसपे कि ये सजेस्टेड है टू बी ऑपरेटेड दैट इज़ ऑल्सो गिवन फिफ्टी हर्ट्स एंड टाइप इज़ गिवन एज डी डी टू एट तो इस तरीके का अगर आप सिंगल फेज एनर्जी मीटर को देखें तो ये स्पेसिफिकेशन आपको डायल्स पे मिल जाएंगे uh, ये डिजिटल मीटर है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कि ये डिजिटल फिगर दिखाई देगी यहाँ क्या है न्यूमेरिक है डायल की फॉर्म में ओके सो टेन टेन के डिकेट काउंटर्स हैं और दिस इज इन फॉर्म ऑफ ए डिजिटल सो दिस इज ए एनर्जी मीटर विच इज़ डिजिटल सो यूजली चाइना बेस्ड डिजिटल मीटर्स इन लास्ट डिकेज देव बीन इंस्टॉल्ड इन टू द वेरियस कैपिटल सिटीज़ एंड नाउ दे आर बीइंग फोज्ड आउट बाई इंडियन मीटर्स डिजिटल मीटर्स तो ये नाउ दिस इज व्हाट इज नाउ हैपनिंग क्योंकि दिस इज द स्मार्ट एनर्जी मीटर्स तो एनर्जी मीटर और वाट मीटर में जो मेजर डिफरेंस है जैसा कि हमने पहले भी समझा है कि ये हमको एक इंटीग्रेटिंग काउंटिटी देता है यानी कि अगर फर्क करें हम एक वाट मीटर में और एनर्जी मीटर में तो वाट मीटर हमको किस समय कितना ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है ओके okay, पावर का यूज़ हो रहा है उसको आपको इंस्टेंट वैल्यू देता है यानी कि उस समय तो वो कालिक वैल्यू होती है मींस इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ की अगर वेरिएशन होगा पावर कंजम्पशन का तो वो भी रिफ्लेक्ट होगा वॉट मीटर में जबकि जो इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स है जिस कैटेगरी में ये एनर्जी मीटर फॉल करता है वहाँ आपको टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड तो दैट इज़ ए इंटीग्रेटेड क्वान्टिटी तो अब ये स्मार्ट मीटर्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस आने लगे हैं इसका जो स्मार्ट मीटर्स हैं आ, क्योंकि आईओटी का दौर आ रहा है हमको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना होगा कि इसमें ना केवल आप डिजिटल डिस्प्ले देखते हैं डेटा को बल्कि आप, आ, 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 आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की मदद से और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से आप इसमें रिलिवेंट डेटा को आ, पोर्ट कर सकते हैं इजीली किसी भी डिवाइस से जो आईटी टी बेस्ड डिवाइसिस हैं तो आप डिस्टेंस पर भी रिमोट प्लेसेस पर भी आप इसको पोर्ट कर सकते हैं तो ये अब हकीक़त बन चुकी है डिफरेंट स्मार्ट मीटर्स आ गए हैं और ये आप जो जितने भी यहाँ पे मीटर्स देख रहे हैं अगर ये आप व्यवहारिक ज़िंदगी में देखते हैं और कैपिटल सिटीज़ में अभी आपको मिल, मिलने लगे हैं मुंबई कोलकाता में ये ऑलरेडी अब एक रियलिटी है काफ़ी सारे एरिया में पूरे सारे शहर में तो नहीं लेकिन पायलट प्रोजेक्ट्स रन किए सक्सेसफुल भारत सरकार ने और आज की डेट में अब स्मार्ट मीटर इज़ ऑल्सो बिकमिंग ए रियलिटी इन द बिग सिटीज़ तो इसमें टेक्निकल लॉसेस भी अगर हम कहें थेफ्ट वगैरह के नॉन टेक्निकल लॉसेस Uh, ये सारे अकाउंट फॉर हो जाते हैं और इस डेटा को किसी भी डेटा सेंटर से आप इजीली इंटरफेस कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं जिसको कि आप एनालिसिस और कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और दैट वे यू कैन ऑफकोर्स डू बेटर प्लानिंग एंड आल्सो कैन रिड्यूस द यू नो एनर्जी लॉस मतलब इफ़िशेंट सिस्टम बनाने में एनर्जी मीटर एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं ये स्मार्ट एनर्जी मीटर्स हैं जो कि प्रीपेड हैं तो आप इनको रिचार्ज कर सकते हैं मोबाइल की तरह और वो आपको तभी तक एनर्जी के सप्लाई देगा जब तक आ, आप इनटाइटल्ड हैं एज पर योर पे यूजेस जो भी आपने पेमेंट किया है तो दीज आर ऑल इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड एंड यूजिंग द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी दिस इज़ ऑल्सो द स्मार्ट मीटर्स so they are all uh, integrating instruments and they definitely help not only the data centers or electricity board uh, in terms of better operation but it also help res residential or commercial user to better plan their energy uh, needs uh, okay. and so uh, these are three phase uh, meters energy meters so you see that they are in various uh, designs and shapes and uh, so this is uh, in first unit we basically uh, understood uh, uh, during lecture 1 to 8 uh, you know and that how we identify how we use the different types of instruments and in the unit uh, you know i would say lecture 9 we had already started the study of measurement of resistances using different bridges so we will continue that part with the measurement of high registration in the following lectures so thank you very much